कामिनी का पति मोहन दूरसंचार महकमे में लाइनमैन था। एक दिन काम के दौरान वह खंभे से गिर गया। उसे गहरी चोट लगी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। कामिनी की ज़िंदगी में अंधेरा छा गया। वह कम पढ़ी लिखी देहाती औरत थी। उसके दो मासूम बच्चे थे। बड़ा बेटा पहली क्लास में पढ़ता था और छोटा 2 साल का था। पति का क्रियाकर्म हो गया तो कामिनी ससुराल से मायके चली आई। वहाँ उसके बड़े भाई ने कहा, बहन जो होना था वह तो हो ही गया, गम भुलाओ और आगे की सोचो। बताओ कि नौकरी करोगी? बहनोई की जगह तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। एक नेता मेरे जानने वाले हैं, उनसे कहूँगा तो वे जल्दी ही तुम्हें नौकरी पर रखवा देंगे। कुछ तो करना ही होगा भैया, वरना इन बच्चों का क्या होगा? लेकिन मैं 8वीं तक ही तो पढ़ी हूँ, क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? कामिनी ने पूछा। चपरासी की नौकरी तो मिल ही जाएगी, मैं आज ही नेता से मिलता हूँ, उसका भाई बोला। उसके भाई की दौड़ धूप काम आई और कामिनी को जल्दी ही नौकरी मिल गई। बहन तुम बच्चों को लेकर शहर में रहो, मैं वहाँ आता जाता रहूँगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हारी तरह बहुत सी औरतें हैं दुनिया में जो हिम्मत से काम लेकर अपनी और बच्चों की ज़िंदगी संवार रही हैं। भाई ने बहन का हौसला बढ़ाया। कामिनी शहर आ गई और किराए के मकान में रहकर चपरासी की नौकरी करने लगी। उसने पास के स्कूल में बड़े बेटे का दाखिला करा दिया। कामिनी का भाई उसका पूरा ख्याल रखता था। वह बीच बीच में गांव से राशन वगैरह लेकर आया करता था। फ़ोन पर तो रोज़ ही बात कर लिया करता था। कामिनी खूबसूरत और जवान थी। महकमे के कई अफसर और बाबू उसे देखकर लाड टपकाते रहते थे। उससे नज़दीकी बनाने के लिए भी कोई उसके प्रति हमदर्दी जताता तो कोई रुपये पैसे का लालच देता। कामिनी का मकान मालिक भी रसिया किस्म का था, वह नशेड़ी भी था। कामिनी पर उसकी नीयत खराब थी। कभी कभी शराब के नशे में वह आधी रात में उसका दरवाज़ा खटखटाया करता था। आते जाते कई मंचले भी कामिनी को छेड़ा करते थे। किसी तरह दिन कटते रहे और कामिनी खुद को बचाती रही। उसके साथ नीरज नाम का एक चपरासी काम करता था। वह उसका दीवाना था लेकिन दिल की बात जवान पर नहीं ला पा रहा था। नीरज बदमाश किस्म का आदमी था और शराब का नशा भी करता था। वह अक्सर लोगों के साथ मारपीट किया करता था लेकिन कामिनी से बेहद अच्छी बातें किया करता था। नीरज उसे भरोसा दिलाता था, मेरे रहते चिंता बिल्कुल मत करना, कोई आँख उठाकर देखे तो बताना, मैं उसकी आँख निकाल दूंगा। कामिनी को नीरज अक्सर घर भी छोड़ दिया करता था। कुछ दिनों बाद नीरज कामिनी को घुमाने फिराने भी लगा। कामिनी को भी उसका साथ भाने लगा। वह नीरज से खुलकर हंसने बोलने लगी। जल्दी ही दोनों के बीच प्यार हो गया। अब तो नीरज उसके घर आकर उठने बैठने लगा। कामिनी के बच्चे उसे अंकल कहने लगे। वह बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें भी लाया करता था। कामिनी के पड़ोस में एक और किराएदार रहता था। नीरज ने उससे दोस्ती कर ली। एक दिन वह किराएदार अपने गांव जाने लगा तो नीरज ने उससे मकान की चाबी मांग ली। दिन में उसने कामिनी के से कहा, आज रात मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। लेकिन कैसे, बच्चे भी तो हैं? कामिनी ने समस्या रखी। उसकी चिंता तुम बिल्कुल ना करो, यह कहकर उसने जेब से चाबी निकाली और कहा, यह देखो मैंने सुबह ही इंतजाम कर लिया है, आज तुम्हारा पड़ोसी गांव चला गया है, रात को मैं आऊँगा और उसी के कमरे में। कामिनी मुस्कुराई और फिर शर्मा कर उसने सिर झुका लिया। उसकी भी इच्छा हो रही थी और वह नीरज की बाहों में समा जाना चाहती थी। नीरज देर रात शराब के नशे में आया। उसने कामिनी के पड़ोसी के मकान का दरवाज़ा खोला, आहट मिली तो कामिनी जाग गई। उसके दोनों बेटे सो रहे थे। उसने आहिस्ता से अपना दरवाज़ा बंद किया और पड़ोसी के कमरे में चली गई। नीरज ने फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद जो होना था वह देर रात तक होता रहा। लंबे अरसे बाद उस रात कामिनी को जिस्मानी सुख मिला था, वह नीरज की बाहों में खो गई थी। तड़के नीरज चला गया और कामिनी अपने कमरे में आ गई। कामिनी और पड़ोसी के मकान के बीच जो दीवार थी उसमें दरवाज़ा लगा था। पहले जो किराएदार रहता था उसने दोनों कमरे ले रखे थे। वह जब मकान छोड़कर गया तो मालिक ने दोनों कमरों के बीच का दरवाज़ा बंद कर दिया और ज़्यादा किराए के लालच में 2 किराएदार रख लिए। अब उसे 1,000 की जगह 2,000 रुपये मिलने लगे। उस रात के बाद नीरज अक्सर कामिनी के घर देर रात आने लगा। कई बार कामिनी का भाई सुबह सुबह ही आ जाता और नीरज अंदर ऐसी हालत में बीच का दरवाज़ा काम आता था। राजू उस दरवाजे से पड़ोसी के मकान में दाखिल हो जाता था। कामिनी के भाई को कभी शक ही नहीं हुआ कि बहन क्या गुल खिला रही है। वह तो उसे सीधी सादी गाँव की भोली भाली औरत मानता था। नीरज का अपना भी परिवार था, बीवी थी, 4 बच्चे थे। परिवार के साथ वह किसी झुग्गी बस्ती में रहता था। बीवी उससे बेहद परेशान थी क्योंकि वह पगार का काफ़ी हिस्सा शराबखोरी में उड़ा दिया करता था। बीवी मना करती तो नीरज उसके साथ मारपीट भी करता था। पैसों के बिना ना तो ठीक से घर चल रहा था और ना ही बच्चे पढ़ लिख पा रहे थे।
पहले तो नीरज कुछ रुपए घर में दे दिया करता था, लेकिन जब से उसकी कामिनी से नज़दीकी बढ़ी तब से पूरी तनख्वाह लाकर उसे ही थमा दिया करता था। कामिनी उसके पैसों से अपना शहर का खर्च चलाती और अपनी तनख्वाह बैंक में जमा कर देती। वह काफ़ी चालाक हो गई थी। नीरज डाल तो कामिनी पात पात थी। उधर नीरज की बीवी घर चलाने के लिए कई बड़े लोगों के घरों में नौकरानी का काम करने लगी थी। वह खून के आंसू रो रही थी, लेकिन उसने कोई गलत रास्ता नहीं चुना। मेहनत करके किसी तरह बच्चों को पालती रही। कुछ साल बाद रकम जुड़ गई तो कामिनी ने ससुराल में अपना मकान बनवा लिया। ससुराल वालों ने हालांकि उसका विरोध किया कि वह गांव में ना रहे, वे उसका हिस्सा हड़प कर जाना चाहते थे, लेकिन पैसा मुट्ठी में होने से कामिनी में ताकत आ गई थी। उसने जेठ को धमकाया तो वह डर गया। कामिनी का बढ़िया मकान बन गया। भैया तुम मेरा पास के टेलीफोन के दफ्तर में ट्रांसफ़र करा दो नेता से कहकर, इससे मैं घर और खेती बाड़ी भी देख सकूँगी, एक दिन कामिनी ने भाई से कहा। मैं कोशिश करता हूँ, भाई ने उसे भरोसा दिलाया। कुछ महीने बाद कामिनी का तबादला उसके गांव के पास के कस्बे में हो गया। यह जानकारी जब नीरज को हुई तो वह बेहद गुस्सा हुआ और बोला, मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी, तुम्हारे चलते मैंने अपने बाल बच्चे छोड़ दिए और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, ऐसा कतई नहीं होगा, या तो मैं तुम्हें मार डालूंगा या खुद ही जान दे दूंगा, तुम्हारी जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नीरज तुम मरो या जियो इससे मेरा कोई मतलब नहीं, यह मेरी मजबूरी थी कि मैंने तुमसे संबंध बनाया, तमाम लोगों से बचने के लिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, अब मेरा सारा काम बन चुका है, मुझे हाथ उठाने के बारे में सोचना भी नहीं, वरना जेल की हवा खाओगे, आज के बाद मुझसे मिलना भी नहीं, कामिनी ने धमकाया। नीरज डर गया, वह कामिनी के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन कामिनी का दिल नहीं पसीजा। अगले ही दिन वह मकान खाली कर गांव चली गई। प्यार में पागल नीरज कामिनी का गम बर्दाश्त नहीं कर सका और कुछ दिन बाद उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जब नीरज की पत्नी को उसके मरने की खबर मिली तो वह बोली, मेरे लिए तो वह बहुत पहले ही मर गया था, उसने मुझे इतना रुलाया कि आज उसकी मिट्टी के सामने रोने के लिए मेरी आंखों में आंसू नहीं बचे हैं। यह कहकर वह बेहोश होकर गिर पड़ी। नीरज के घर के सामने लोगों की भीड़ लग गई। लोग पानी के छींटे मारकर उसकी पत्नी को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह से अवैध संबंध बनाकर कामिनी ने अपने शरीर की प्यास भी बुझाई और नीरज की और उसकी पत्नी की ज़िंदगी तबाह कर दी। दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।